दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। मुन्नी किसे अपने साथ भारत लाएगी? क्या मुन्नी के पिता की होगी मौत? क्या मुन्नी पवन को ढूंढ पाएगी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। बजरंगी भाईजान में मुन्नी यानी शाहिदा अपनी मां से बिछड़कर हिंदुस्तान में रह जाती है और तब वो पवन से मिलती है। फिर पवन उसे वापस उसके घर पाकिस्तान पहुंचाता है और अब सलमान खान एक बार फिर उसी अवतार में बजरंगी भाईजान के सीक्वल पवन पुत्र भाईजान में नजर आने वाले हैं। पवन पुत्र भाईजान में 8 से 10 साल के लीप के बाद वही कहानी कंटिन्यू होगी, जिसमे क्या हो सकता है उसकी एक कहानी आज हम आपके लिए लाए हैं। तो 8 से 10 साल में अब मुन्नी बड़ी हो गई है और उसका एक छोटा भाई भी है जो 6 साल का है। मुन्नी के गांव में इस वक्त दंगे हो रहे हैं, कुछ जगहों पर मातम है तो कुछ जगह गोलियों की और बम की बरसात हो रही है। और आपको याद होगा कि मुन्नी के पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, जिसकी वजह से उनके कुछ दुश्मन भी थे और मुन्नी का एक हिंदुस्तानी के साथ पाकिस्तान लौटना उन लोगों को हजम नहीं हो रहा था। और इन दंगों का फायदा उठाकर उन लोगों ने मुन्नी के पिता को देशद्रोही ठहराकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन मुन्नी उस वक्त अपने छोटे भाई को लेकर छुप गई थी और वो लोग अब मुन्नी की तलाश में हैं, क्योंकि उसने एक हिंदुस्तानी के साथ रिश्ता बनाया था तो वो भी उनके लिए देशद्रोही है। मुन्नी किसी तरह अपने छोटे भाई को लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे और किसके पास मदद के लिए जाए। ऐसी मुसीबत की घड़ी में उसे सिर्फ एक ही इंसान याद आता है, जिसने अपनी जान पर खेलकर उसे उसके परिवार से मिलाया था। लेकिन उस वक्त मुन्नी बच्ची थी, उस वक्त उसे समझ नहीं थी कि कितने बड़े खतरे में पवन सिंह उसकी वजह से फंस चुका था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से फिर से पवन की जान खतरे में आए। इसीलिए वो कहीं छुप जाती है, जहाँ कुछ और लोग भी छुपे हुए थे, क्योंकि उसके घर पर उन आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था और वो वहाँ उसके आने का इंतजार कर रहे थे। मुन्नी जानती है कि अब वो घर उसका नहीं रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही जहाँ पर मुन्नी और 2-3 लोग छुपे थे वहाँ पर भी गोलियों की आवाज आने लगी। लेकिन किसी तरह वो इस भयानक रात से जिंदा निकल आए थे। और जब उसका भाई भूख लगने की वजह से रोने लगता है तो मुन्नी दंगों की वजह से खुली पड़ी दुकान से कुछ खाना चुरा कर उसे देती है। लेकिन उसकी ये हरकत वहाँ न्यूज देते हुए एक रिपोर्टर चांद सिंह नवाब देख लेता है। चांद नवाब मुन्नी को देखते ही पहचान जाता है और जब कुछ आतंकवादी मुन्नी की ओर जाते हैं तो चांद नवाब पीछे की तरफ से उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लेता है। मुन्नी भी चांद नवाब को देखते ही पहचान जाती है और उसे सारी बात बताती है। चांद नवाब उन्हें घर तो ले जाता है, लेकिन मुन्नी के वहाँ होने की खबर उनको पता लग जाती है, जो मुन्नी को ढूंढ रहे थे। और फिर चांद नवाब के घर पर भी हमला होता है, लेकिन वो दोनों बच्चों को वहाँ से निकालकर एक मालगाड़ी जो पटरी पर रुकी हुई थी उसमें बैठा देता है। और फिर मुन्नी अपने आप को पहले वाली सेम सिचुएशन में पाती है। इस बार वो अकेली नहीं है, उसके छोटे भाई की जिम्मेदारी भी उसके सर पर है। मुन्नी को नहीं पता कि ये गाड़ी उनको कहाँ लेकर जाएगी, लेकिन अब वो बजरंग बली का लॉकेट जो पवन ने उसे पहनाया था उसे पकड़कर यही दुआ करती है कि वो किसी तरह से पवन से मिल जाए। लेकिन फिर मुन्नी का भाई सवालों की लाइन लगा देता है और पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। मुन्नी को भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो हंसकर कहती है कि वो अपने मामा के घर जा रहे हैं। और इससे पहले वो और सवाल पूछे, मुन्नी उसे पवन मामा के बारे में बताती है और दोनों भाई बहन एक दूसरे के सहारे मालगाड़ी में सो जाते हैं। सुबह जब ट्रेन रुकती है तो मुन्नी अपने भाई को लेकर वहाँ से चुपके से उतर जाती है। मुन्नी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है, लेकिन एक बड़ी सी बजरंग बली की मूर्ति देखकर उसे पता लग जाता है कि वो हिंदुस्तान में है। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने बड़े हिंदुस्तान में वो पवन को कैसे ढूंढेगी और कैसे मुन्नी खुद को और अपने भाई को इस खतरे से बचाएगी। लेकिन फिर मुन्नी अपने भाई को लेकर बजरंग बली की मूर्ति के नीचे बैठ जाती है और छोटे भाई को जय बजरंग बली बोलना सिखाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।